महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सोमवार को अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी अरुण कुमार अग्रहरी के दिशा निर्देश पर पूर्व महानगर अध्यक्ष दिनेश चंद्र श्रीवास्तव एवं महानगर उपाध्यक्ष मार्कंडे सिंह के नेतृत्व में इंदिरा तिरहा गोलघर स्थित इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 101वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की शहादत को याद करते हुए कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी एक कर्मठ जुझारू तेज तरार भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उनके प्रधानमंत्री नेतृत्व काल में भारत को एक नई पहचान मिली। इस अवसर पर मार्कंडे सिंह, जयंत कुमार पाठक, इंद्रजीत चौधरी, राम जतन सिंह, उदयवीर सिंह, देवेंद्र निषाद, विकास द्विवेदी, मुस्तफा अंसारी, डीएन चौधरी, उमेश खन्ना, मदन जायसवाल, सदानंद पांडे, सुरेश कुमार चौधरी सहित भारी संख्या में अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी दिनेश चंद्र श्रीवास्तव और हाफिज फैयाज अहमद ने कहा, आज इंदिरा जी का जन्मदिन है। सारे कांग्रेस के लोग एकत्रित हुए हैं, माल्यार्पण किए हैं और दो दो शब्द लोग इंदिरा जी के बारे में अपनी बात कहे हैं और इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी जिंदाबाद का नारा लगा है। हाफिज फैयाज अहमद, ऐसा है आज 101वां जन्मदिन इंदिरा गांधी जी का है। इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पर हम कांग्रेसी एकत्रित होकर के और उनको माला अर्पण किया गया और जिंदाबाद का नारा दिया गया, अमर रहें इंदिरा गांधी, अमर रहें। और उसके बाद इंदिरा गांधी के कार्यों की सराहना करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने जो भी कदम उठाया, सन 1967 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो अटल राज्य दिशाएं उनसे अलग हो गए, इंडिकेट और सिंडिकेट दो पार्टियां बन गई इंदिरा जी। और इंदिरा जी ने जब प्रधानमंत्री 1971 में बनी तो उन्होंने सबसे पहला काम उन्होंने किया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू किया, जिससे हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर किसान को, हर मजदूर को, सबको उसमें शामिल किया। और शामिल करने के बाद उस प्रोग्राम को जब तक वो जिंदा रहीं तब तक वो चलाती रहीं और उससे तमाम सड़कों का, पुलों का, तमाम तरह का आवाम का जो है फ़ायदा पहुंचा। और आज भाभा परमाणु बम की जो बुनियाद रखी गई थी 1967 में इंदिरा गांधी ने रखा और आज वो परमाणु बम बन करके तैयार हो गया, जिसके लिए दुनिया आज हिंदुस्तान को 2 नंबर पर मानने को तैयार मजबूर होगी। और इंदिरा गांधी की सराहनीय कामों में जो उन्होंने उड़ीसा में भाषण दिया था कि मेरे खून का एक एक कतरा जनता हिंदुस्तान के आवाम के लिए ये बलिदान होगा और यही इनका जो है सबसे बड़ा चिन्ह और पहचान होगा, और हमारे मरने के बाद सब लोग इस चीज़ को अमल करेंगे और अमल करने के बाद जो है उस पर हमेशा जिंदाबाद अमर रहे का नारा लगाती रहेंगी, लगाते रहेंगे पूरी जनता। आज हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आज इंदिरा गांधी का 101वां दिन जन्मदिन है, जिस पर हम कांग्रेसी एकत्रित होकर के उनको माला अर्पण किया गया और नारा लगाया गया कि इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी जब तक सूरज चांद रहेंगे, इंदिरा तेरा नाम रहेगा के नारा लगाया गया। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इंदिरा गांधी के किसी भी कार्य को भुलाना पूरे हिंदुस्तान के आवाम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा।